बच्चों अपन कर रहे हैं एसएनटॉप्सेप और एसएनटॉप्सेप में मैंने अभी तक आपको जो बताई है कि एसएनटॉप्सेप को लेकर के कई थ्योरीज थी, जिनमें हमने अभी तक पढ़ा है वाइटल फोर्स थ्योरी और रूट प्रेशर थ्योरी। आज हम लेते हैं फिजिकल फोर्स थ्योरी। फिजिकल फोर्स थ्योरी में कि जो सॉइल से एसएनटॉप्सेप जो है उसमें पहले बताया था लिविंग टिश्यूज के कारण होता है एसएनटॉप्सेप। फिर नेक्स्ट थ्योरी जो हमने रूट प्रेशर में देखी थी कि रूट प्रेशर के कारण होता है, परंतु इस थ्योरी के अनुसार जो है उनमें एसएनटॉप्सेप जो है डेड सेल्स के अंदर जो फिजिकल फोर्स है उसके द्वारा जो है ये एसएनटॉप्सेप होता है। यानी कि इसमें डेड सेल्स जो होती हैं उन डेड सेल्स के अंदर कोई फिजिकल फोर्स उसके द्वारा इनमें एसएनटॉप्सेप होता है। इसके तहत जो है हम ले रहे हैं, इसमें भी कई सारी थ्योरीज दी, जैसे कैपिलरी फोर्स थ्योरी। तो कैपिलरी फोर्स थ्योरी जो है वो बोहम ने दी और कैपिलरीज जो है उनके कंपैरिजन उसने वेसल्स से किया कि जो वेसल्स हैं वो छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती हैं उसकी तरह से काम करती हैं और इसके अंदर ये कैपिलरी फोर्स डेवलप करती है। तो कम रेडियस की जो कैपिलरीज हैं इनमें सरफेस टेंशन के कारण जो है ये पानी ऊपर चढ़ता है। जैसे कि वेसल्स भी पतली नली होती है और इसमें भी सरफेस टेंशन के द्वारा ही पानी, इसको इन्होंने वेसल्स की इसके द्वारा इन्होंने कंपैरिजन किया कैपिलरी के। कैपिलरीज में जो फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन के कारण से, जिसके कारण से ये पानी जो है वो एसएनटॉप्सेप में ऊपर चढ़ता है। परंतु इस थ्योरी को बिल्कुल भी कई ऑब्जेक्शंस आ गए। जैसे कि पहला ऑब्जेक्शन है कि जो कैपिलरीज है इनका जो डायमीटर है वो बहुत कम होता है, यानी कि इसके द्वारा जो पानी है वो ऊपर नहीं चढ़ सकता। दूसरा जो ये कहा है कि इनकी जो कैपिलरीज जो हैं उनकी तो दीवार पतली होती है, परंतु जो वेसल्स है इसकी दीवारों के ऊपर तो थिकनिंग पाई जाती है। वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं इनके ऊपर थिकनिंग होती है, जैसा कि अपन आप पढ़ चुके हो सेल स्ट्रक्चर के अंदर भी इसकी सेल्स पर कई तरह की जो है स्केलरिफाइड या एनुलर इस तरह की इसमें थिकनिंग होती है। तो ये सेल्स जो है इसकी जो वॉल है वो कैपिलरीज की तरह नहीं होती। और है इसमें कि जैसे कि जिम्नोस्पर्म और टेडोफाइट्स के अंदर वेसल्स जो है वो नहीं होती और उनमें होती हैं ट्रैकिड्स, और ट्रैकिड्स की जो वॉल है दो, एक ट्रैकिड दूसरे ट्रैक से जहाँ जुड़ती है वहाँ पर इसकी दीवारों के अंदर बीच में जो है वो एंड वॉल्स जो होती हैं वो मिल जाती हैं, तो वो पूरा एक कैपिलरी की तरह से नहीं होती। इसके अलावा क्योंकि ये जो कैपिलरी है यानी कि इसने कैपिलरी का कंपैरिजन किया है वेसल्स से, तो कैपिलरी तो डायरेक्ट पानी के संपर्क में होती है, परंतु वेसल्स जो होती हैं वो खुली नहीं होती और डायरेक्ट पानी के कांटेक्ट में भी नहीं होती। और अगर कैपिलरीज के द्वारा अगर पानी चढ़ता है तो उसके दौरान कैपिलरी का जो डायमीटर में कमी होने के साथ साथ कैपिलरी फोर्स बढ़ना चाहिए, जबकि ऑटम वुड यानी कि जो संकरी ऑटम और स्प्रिंग वुड, आपने पढ़ा होगा कि भाई ऑटम के अंदर जो है वो कम पानी की ज़रूरत होती है, तो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी ग्रोथ के कारण इसके अंदर जो है वो छोटे बनते हैं, और स्प्रिंग वुड के अंदर जो है वो पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसकी वजह से थोड़े बड़े जो है वेसल्स बनती हैं, ये सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनते हैं, इसी को हम कहते हैं ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड। तो इसकी वजह से ये जो है, जबकि स्प्रिंग वुड जो है इसके अंदर तेज़ी से चढ़ना चाहिए जबकि इसकी गति धीमी होती है। तो इस प्रकार से इसको टोटली इस थ्योरी को भी डिस्कार्डेड कर दिया गया है। और इसके अलावा ये जो कैपिलरी फोर्स के द्वारा जो है हम जो काफ़ी हाइट वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी सक्सेसफुली जो है पानी नहीं चढ़ सकता। तो ये थ्योरी भी केवल एक हिस्टोरिकल इसकी इम्पोर्टेंस ही हो करके रह गई है।
इसके अलावा नेक्स्ट जो है इम्बिबिशन थ्योरी। इम्बिबिशन जो है वो आपने वाटर रिलेशंस में भी आपको बताया था कि जैसे कि ब्लॉटिंग पेपर, हम इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि कोई हम ब्लॉटिंग पेपर को गोल करके अगर पानी में रखते हैं तो उसकी सांस वो पानी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको हम कहते हैं इम्बिबिशन। तो इम्बिबिशन जो है इसके अनुसार हाइड्रोफिलिक जो सब्सटेंस है उनका जल के द्वारा इम्बिबिशन ही, यानी कि जल के को चूसना, ये कहलाता है इम्बिबिशन। तो वाहिका यानी वेसल्स और ट्रैकेट्स सेलुलोज से बनी हुई होती हैं और इनके द्वारा जल जो है इम्बिबिशन के द्वारा ऊपर चढ़ता है। और सैक ने भी 1878 में इस थ्योरी को सपोर्ट किया, यानी कि इसने ये बताया कि वाटर राइज थ्रू लुमेन ऑफ वेसल्स नॉट थ्रू वॉल्स, ये बता दिया गया इसमें कि वेसल्स के अंदर दीवारों के द्वारा जो है वो वाटर जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होता। इसमें भी ये ऑब्जेक्शन आए कि केवल इसके द्वारा वेसल्स और ट्रैकेट्स जो होती हैं वो केवल वॉल्स को गीली ही कर देती है, परंतु ऑलरेडी वो पानी से भरी हुई होती हैं तो किस तरह से उसमें इम्बिबिशन होगा। प्लांट के द्वारा जो निकलने वाला पानी है वो अधिदोष जो इम्बिबिशन के द्वारा जो पानी की मात्रा है उससे बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरा कि इम्बिबिशन की जो दर है यानी कि उसकी जो रेट है वो बहुत कम होती है, वो कहीं से भी हमें एसेंट ऑफ सैप को जस्टिफाई नहीं कर सकती। इसी के साथ एक और थ्योरी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी, ये बोहम ने 1809 में दी थी। इस थ्योरी के अनुसार ट्रांसपिरेशन के कारण पादप की सतह से जो जल की हानि होने के कारण वाष्पोषण सतह पर यानी कि वाहिका में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी पूर्ति के लिए जल जो है वो तेजी से ऊपर चढ़ता है। यानी कि प्लांट्स के जो ऊपर लीव्स है इनके द्वारा ट्रांसपिरेशन होगा और ट्रांसपिरेशन होने के कारण वाहिका में जो है वो जो वेसल्स है उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण पानी को जो है तेजी से ऊपर की तरफ खींचा जाता है। तो इस थ्योरी के भी कई ऑब्जेक्शन हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रभावी होने के लिए वेसल्स का जल की सतह से सीधे संपर्क में होना आवश्यक होता है, जिसका कि प्लांट्स के अंदर अभाव होता है, वो डायरेक्ट संपर्क में वेसल्स नहीं होती। अगर पूरी तरह से हम देखें तो ये 35 फीट से ज़्यादा जो प्लांट्स होते हैं हाइट के उन तक पहुंचा सकता है इसके द्वारा, इससे आगे के हाइट वाले प्लांट्स के अंदर जो है इसके द्वारा नहीं हो सकता। और इसी को इस तरह से ये थ्योरी भी केवल एक हिस्ट्री बन के रह गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है कोइजन फोर्स या ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, जो इसकी मेन एसेंट ऑफ सब को समझाती है। ये भी फिजिकल फोर्स थ्योरी में आता है, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।